डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। वाणिज्य की प्रमुख शब्दावलियां देखने के क्रम में आज हम देखेंगे एक नई शब्दावली के बारे में या एक नए शब्द के बारे में जिसे हम रहतिया या स्कंद के नाम से जानते हैं। रहतिया, स्कंद, इसको इंग्लिश में स्टॉक के नाम से जानते हैं, अमेरिका में से इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्टॉक शब्द से हम परिचित भी हैं, हम अपने घर में अपने भोजन का स्टॉक रखते हैं या हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं की हमें जरूरत होती है भविष्य में हम उसका स्टॉक रखते हैं। मीन्स स्टॉक शब्द हमारा एक फेमिलियर शब्द हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि कुछ अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को हम भविष्य की आवश्यकताओं हेतु संजो कर रखते हैं, वो हमारा स्टॉक कहलाता है। ये तो रही हमारी एक सामान्य सी बात, लेकिन अगर इसे हम कॉमर्स की भाषा में, वाणिज्य की भाषा में बोलें तो वास्तव में स्टॉक क्या होता है। स्टॉक व्यापार में बचा हुआ माल है। बचा हुआ माल से मतलब क्या है कि हमने आपसे चर्चा किया था कि सपोज दैट जो हमारी संस्था है या जो व्यापार है वो वित्तीय वर्ष अपनाती है। कौन सा वर्ष अपनाती है? वित्तीय वर्ष। मोस्टली हम जो वर्ग करते हैं वो इसी में करते हैं, और वित्तीय वर्ष हमारा प्रारंभ होता है अप्रैल फर्स्ट से और ये क्लोज होता है मार्च 31st को। मींस यह वित्तीय वर्ष 12 महीने का वर्ष होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को क्लोज होता है। तो यहां पे दो तिथियां हुई, 1 अप्रैल और 31 मार्च। आपने माल खरीदा होगा, सपोज दैट आपने 1 अप्रैल को ही व्यापार प्रारंभ किया तो आपने कच्चा माल खरीदा होगा या बना बनाया माल खरीदा होगा और उस माल को आप क्रय विक्रय करते रहते हैं। वर्ष के अंत में जब 12 महीने पूरा होता है 31 मार्च को आप देखते हैं कि आपके पास कुछ माल बचा रह जाता है, क्योंकि वर्ष में सारा का सारा माल तो आप बेच नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ माल उसमें बच जाता है। तो उस बचे हुए माल को ही, जो 31 मार्च को माल बच जाता है, उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, रहतिया के नाम से जानते हैं, स्कंद के नाम से जानते हैं, इसे अमेरिका में इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। अब इस स्टॉक के बारे में तो हमने जान लिया कि बचा हुआ माल हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। अब इस स्टॉक में इसकी प्रकृति के अनुसार ये कई तरह का स्टॉक होता है। स्टॉक के कुछ प्रकार हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे सपोज दैट ये हमारा वर्ष है 2020 और 2020 अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ है तो ये खत्म होगा हमारा 2021 मार्च 31 को। तो दो डेट हो गई, एक हमारी 1 अप्रैल 2020 और दूसरी हो जाएगी 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को जो माल बचा उस माल को हम बोलेंगे अंतिम रहतिया। क्या बोलेंगे? अंतिम रहतिया, और इसकी इंग्लिश हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मींस हम यहां पे कह सकते हैं कि वर्ष के अंत में बचे हुए माल को हम अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। और 31 मार्च 2021 को यह हमारा वर्ष समाप्त हो रहा है, और क्या हमने व्यवसाय बंद कर दिया? नहीं, हमारा व्यवसाय अगले साल फिर स्टार्ट हो जाएगा, और अगली जो स्टार्ट होने की डेट हमारी होगी नेक्स्ट ईयर की,
वो हो जाएगी 2021 और अप्रैल फर्स्ट। सपोज दैट यहाँ पे 50,000 रुपए का माल बचा 31 दिसंबर सॉरी 31 मार्च को, तो ये मार्च हमारा ट्रांसफर कब हो जाएगा? अगले वर्ष के प्रथम दिन, मीन्स अप्रैल 1 को 50,000 रुपए का जो माल पिछले वर्ष के अंतिम दिन बचा था, वो इस नए वर्ष के पहले दिन 50,000 रुपए का माल ट्रांसफर होके आ गया। और यही माल जो पिछले वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता था, वही एक रात बीत जाने पर अगले दिन की सुबह, हमारा नए वर्ष का पहला दिन होता है, और उसी माल को हम जानते हैं प्रारंभिक रहतिया के नाम से। क्या होता है? प्रारंभिक रहतिया। और इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है ओपनिंग स्टॉक। तो आपने दो प्रकार देख लिया यहां पे, एक आपने देखा अंतिम रहतिया और आपने दूसरा देख लिया प्रारंभिक रहतिया। मीन्स वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं, और वर्ष के प्रारंभ में जो पिछले वर्ष का बचा हुआ माल हस्तांतरित होकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। मीन्स जो हमारा स्टॉक है वो आपने यहाँ पे दो तरह का स्टॉक देख लिया, पहला स्टॉक आपने देख लिया अंतिम रहतिया और दूसरा स्टॉक आपने देख लिया प्रारंभिक रहतिया। अंतिम रहतिया एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में बिकने से बचा हुआ माल है, और यही माल जब अगले वर्ष के प्रथम दिन हस्तांतरित होता है तो यही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। मीन्स माल वही है, केवल तिथियों का फर्क है, तिथियों के कारण ही उसी माल को कभी अंतिम रहतिया कहा जाता है और कभी प्रारंभिक रहतिया कहा जाता है। तो ये तो एक ही चीज है जिसको तिथियों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्टॉक में एक हमारा आता है लाइव स्टॉक, जिसको हम लाइव स्टॉक की इंग्लिश हो जाएगी जीवित रहतिया। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? जीवित रहतिया। इसकी इंग्लिश होती है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? देखिए, व्यवसाय में कभी कभी व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ जानवर रखे जाते हैं, जैसे घोड़े, गधे, खच्चर, या कोई डेयरी संस्थान है तो वहां पे भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर। मींस ऐसे स्टॉक रखे जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से जीवित होते हैं। तो इसे परिभाषित करते समय हम बताएंगे कि किसी भी व्यवसायिक संस्थान में व्यवसाय की आवश्यकता हेतु पशु प्रवृत्ति के जानवर, पशु प्रवृत्ति के जीव या जानवर को ही लाइव स्टॉक के नाम से जाना जाता है। मीन्स लाइव स्टॉक में आपके घोड़े आ जाएंगे, कोई भी पशुधन जो कि आपके व्यवसाय की क्रिया में प्रयोग किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? लाइव स्टॉक कहलाएगा, पशुधन कहलाएगा, लाइव स्टॉक कहलाएगा, जीवित रहतिया कहलाएगा। जनरल प्रविष्टि करते समय इसकी भी उपयोगिता होती है, जब आपको जनरल एंट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे दिखाएंगे कि लाइव स्टॉक के साथ हम कैसे जनरल एंट्री करते हैं। चौथा स्टॉक है जिसके बारे में हमें चर्चा करना है, उसका नाम है मृत रहतिया। जीवित रहतिया का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा मृत रहतिया, डेड स्टॉक। व्हाट इज डेड स्टॉक? मींस व्यवसाय के अंदर ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो कि निर्जीव होती हैं लेकिन वो स्टॉक के रूप में काम करती हैं, जैसे फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीनरी। ये चीजें जो है इनके अंदर जान नहीं होती है, निर्जीव होती हैं लेकिन ये स्टॉक के रूप में काम करती हैं।
मीन्स ऐसी व्यवसाय की संपत्तियां जो निर्जीव होती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं? डेड स्टॉक, मृत रहतियां कहलाती हैं। इसमें एग्जांपल आप फिर से देख लो, फर्नीचर आ जाएगा आपका, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। लाइव स्टॉक में आपका हॉर्स आ जाएगा और काऊ आ जाएगी, बफेलो आ जाएगी, इस तरह से जानवर आ जाते हैं। ये रहा हमारा स्टॉक का प्रकार, मीन्स कि स्टॉक क्या होता है और स्टॉक के कितने प्रकार होते हैं। अब हम ये तो मेन हमने देख लिया, अब यहां पे थोड़ा सा इसको हम और डिस्क्राइब करना चाहेंगे और ज्यादा इसके बारे में बताना चाहेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।